मोदी जो कहता रहा है 2.5 करोड़ की गर्लफ्रेंड, तो जर्सी गाय, तो राहुल गांधी का बाप कौन है पता नहीं, नेहरू सरनेम क्यों नहीं लगाता, इस तरह की बात जो भाजपा के लोग अलबल बयान देने में भाजपा के लोगों का कोई जोर तो है नहीं, ये क्यों, इनको कब जेल भेजा जाएगा? ये जो इनका एक मंत्री यहाँ नारा लगा रहा था कौन से गद्दारों को, अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री, गद्दारों को गोली मारो सालों को, इस तरह इनका केंद्रीय मंत्री बयान देता है। इनका जो है एक केंद्रीय मंत्री बिहार का एक भूमिहार है गिरिराज सिंह, वो कितना अलबल बयान देता है, इसको पाकिस्तान भेज दो, उसको जापान भेज दो, तो ये जो इस पर कब रोक लगेगी? इनकी जो है साध्वी प्रज्ञा साध्वी जो है वो कहती है कि घर में चाकू तलवार रखो, एक सांसद इस देश का कहता है, उस पर कब रोक लगेगी? अभी उत्तर प्रदेश योग्य है, आप अभी देखिए उत्तर प्रदेश में मास्टर का काम होता है पढ़ाना, उनको रामायण पाठ करने लगा दिया रहा, सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिख रहा है, जो हायर जुडिशियरी है जजों के आंख में क्या भगजुगनी हो गया है, तो देखें क्या हो रहा है, स्वतः संज्ञान लें। तो यह सत्ता से संचालित सारी व्यवस्थाएं सत्ता से संचालित हैं, राज सत्ता से संचालित हैं, ये इसी तरह से देश को चलाएंगे। आखिरी परिणति इनकी है कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर दे देश को, उसी पर काम कर रहे हैं और उनका कोई एजेंडा नहीं है। इसके लिए उनको जो भी करना पड़े, जिसको भी खरीदना पड़े, पैसा तो ये छाप रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, सत्ता में हैं। से ये जो सदस्यता गई है पूरी तरह से असंवैधानिक है, और मैं तो ये कहूँगा कि आज की तारीख में मैं कांग्रेस के पक्ष में या राहुल गांधी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, मैं मुद्दे के पक्ष में बोल रहा हूँ। जिस तरह से संसदीय संस्थाओं को, लोकतांत्रिक संस्थाओं को जिस तरह से कमज़ोर किया गया है, मनुवादियों का गुलाम बना दिया गया है, ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि राहुल गांधी के निष्कासन को उसी की एक कंटिन्यूटी में देखना चाहिए। दूसरा एक पहलू यह है कि राहुल गांधी किस मुद्दे पर बात कर रहे थे कि उनकी सांसदी गई? राहुल गांधी बात कर रहे थे अडानी पर, राहुल गांधी बात कर रहे हैं निजीकरण को रोकने पर। जब निजीकरण के खिलाफ कोई मजबूत आवाज़ उठती है तो सरकार उस सांसद की ही सांसदी ले लेती है। मैं राहुल गांधी की व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब समझिए कि कोई निजीकरण के खिलाफ आज की तारीख में बात करे कोई सांसद तो उसकी सांसदी चली जाएगी। सरकार का क्या रोल है इसमें? सरकार का ही रोल है, कौन नहीं जानता है कि इस देश में ही नहीं पूरी दुनिया में जो न्यायपालिका है वो राज सत्ता से संचालित होती है, कौन नहीं जानता है? यह जो फैसला है, यह जो राहुल गांधी के निष्कासन का फैसला आया है, यह न्यायिक नहीं है, यह जो है राजनीतिक फैसला है, सब जानते हैं, फैसला देने वाले जज भी जानते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो कोई राम मंदिर पे फैसला देके राज्यसभा तुरंत कैसे चला जाता है? आप समझिए किस तरह से एक जज जो है राम मंदिर पे फैसला दिया और चला गया तुरंत राज्यसभा। अब इसका भी फैसला देने वाला जज पुरस्कृत किया जाएगा, और अगर कोई जज राज सत्ता की बात ना माने तो इस देश में जज लोया भी हो जाता है, ये सब हम लोग जानते हैं। आपको लोकतंत्र खतरे में नजर आता है? नहीं, हमें तब भी लोकतंत्र खतरे में नजर आया था जब लालू जी के मामले पर राहुल गांधी ने बिल फाड़ा था, और हमें तब भी लोकतंत्र खतरे में नजर आ रहा है जब मोदी जी ने निष्कासन कराया है राहुल गांधी का। हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में यकीन रखने वाले लोग हैं, इस देश के तमाम अम्बेडकरवादी लोग, तमाम बाबा साहब को मानने वाले लोग संविधान, लोकतंत्र और संसद में यकीन करते हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में यकीन रखते हैं। अगर इस देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं की जो मर्यादा है उसका पालन नहीं किया जाएगा, सांसद अपनी बात नहीं रख सकता है, उसको डरा कर रखा जाएगा कि सांसदी भी जा सकती है, ऐसी स्थिति में हम अम्बेडकरवादी क्या करें? कह रही है कि राहुल गांधी ने पूरे ओबीसी समाज का अपमान किया है। नहीं, ओबीसी समाज का अपमान, अभी IIT से बहाली निकली, ओबीसी का जो है 10% EWS कोटा और 19 IIT में जाएंगे जनरल EWS से, और OBC जाएगा 2-1, शेड्यूल का जाएगा 1, ये OBC का कोटा, ये OBC का जो है भला करते हैं। OBC का अगर इतना ही BJP भला चाहती है तो जाति जनगणना का प्रकाशन क्यों नहीं कर रही है? OBC की जितनी आबादी है उतनी भागीदारी दे, OBC जज नहीं बन रहा है, इसके लिए क्या कर रही है BJP? OBC जाति का जज होना चाहिए, OBC जाति का वाइस चांसलर होना चाहिए। अरे मोदी सरनेम वाले चोर नहीं हो सकते ना, देखिए। मैं ये कहने वाला कौन होता हूँ, जिनका बयान है वो जाने, लेकिन दिलचस्प ये है कि जितने लोग भाग रहे हैं अधिकतर का सरनेम वही है, और सबसे दिलचस्प ये है कि OBC उसमें से एक नहीं है।
सारे जनरल वाले बनिया है, कोई ओबीसी नहीं है, एक भी ओबीसी पैसा लेकर नहीं भागा है। मोदी जी ओबीसी ये बदनाम नहीं, मोदी जी तो बाद में ओबीसी, नकली ओबीसी है ना मोदी जी। मोदी जी तो घांची जाति में बनिया में आते हैं, जब सीएम बने तो उसके बाद खुद को ओबीसी में डाल दिया, जब सैया कोतवाल तो डर काहे का, अब तो कानून ही यही बना रहे हैं तो इनको डर काहे का। तो ओबीसी जितने लोग पैसा लेकर भागे हैं उनमें से कुछ लोगों का सरनेम भले ही मोदी हो लेकिन वो ओबीसी उसमें से एक भी नहीं है। ये तो बीजेपी ओबीसी को गाली दे रही है कि कांग्रेस चोर बोल रहा है ओबीसी को, ये तो बीजेपी शामिल कर रहा है। माफी मांग ले तो दिक्कत क्या है? राहुल देखिए, राहुल गांधी जाने और उनकी पार्टी जाने, मेरा राजनामा में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करता हूं ना ही राहुल गांधी का प्रवक्ता हूं। ये राहुल गांधी जाने वो क्या करेंगे क्या ना करेंगे। हम सीधी सी बात जानते हैं कि जिस बात पे राहुल गांधी की सदस्यता गई है, जिस तरह से आज बोलने की आज़ादी पर रोक लगाया गया है, जिस तरह से आज सच कहने पर उस सजा दी जाती है, अगर यह कल की तारीख में नरेंद्र मोदी के साथ भी होगा तो हम नरेंद्र मोदी के साथ खड़े रहेंगे। हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। हम भारतीय जनता पार्टी की राजनीति, आप पूरी बात सुनिए, हम भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में यकीन नहीं है। हमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राजनीति पर, नीति पर, सामाजिक नीति पर यकीन नहीं है। लेकिन बावजूद इसके हम यह कभी नहीं चाहेंगे कि मोहन भागवत का मुँह बंद हो। मोहन भागवत को भी अपनी बात कहने का अधिकार है, राहुल गांधी को भी अपनी बात कहने का अधिकार है, मुझे भी अपनी बात कहने का अधिकार है। जो अपनी बात चाहे संवैधानिक तरीके से कर सकता है, और जहां तक आप कोर्ट पर यकीन की बात कर सकते हैं, जिस देश की न्यायपालिका में किसी एक जाति का वर्चस्व हो, जिस देश की न्यायपालिका खुद में ही बेईमानी से बनी हुई न्यायपालिका हो, कोई किसी का चाचा का भतीजा बना हुआ है, चाचा का दामाद का फुआ का लड़का का दामाद का चचेरा भाई है, जो चक्र है कोलेजियम सिस्टम से, कुछ परिवार के लोग जो आज पूरी हायर जुडिशियरी में जिस तरह से कब्जा है, हमें जुडिशियरी पर यकीन नहीं है। खास तौर पे आज की तारीख में जुडिशियरी जिस तरह से एससी एसटी ओबीसी की आबादी जो कि लगभग 90% है, इस 90% की जुडिशियरी में भागीदारी नहीं है तो हम जुडिशियरी में यकीन कैसे करें? हमारे जज मेरी जाति का वहां कोई जज नहीं है, और यह देश जातिवादी देश है, यह देश जाति प्रधान देश है। अगर मेरी जाति मेरे संप्रदाय का जज नहीं है तो हमको न जजमेंट पे भरोसा है न जुडिशियरी पे भरोसा। अगर कोर्ट ऐसे फैसले सुनाएंगे तो लोकतंत्र के लिए क्या खतरा है? लोकतंत्र खतरा क्या? लोकतंत्र की तो मिट्टी पलीद हो चुकी है, और कोर्ट क्या है? कोर्ट तो सरकार की कठपुतली बना हुआ है। कोर्ट, मीडिया, तमाम तरह के जितने संवैधानिक संस्थाएं हैं, ईडी, सीबीआई, ईडी, सारी संस्थाएं इन मधुवादी सरकार सत्ता के गुलाम बने हुए, गुलाम की तरह व्यवहार कर रहे हैं। ऐसे तो कल को कोई प्रधानमंत्री के खिलाफ भी कोई एफआईआर करवा के केस लड़के उनकी सदस्यता रद्द करवा सकता है, सीएम के खिलाफ नहीं। नहीं देखिए, ये जो परंपरा शुरुआत की है मोदी जी ने, गलत परंपरा है, ये अनकंस्टिट्यूशनल परंपरा है, ये अनकंस्टिट्यूशनल है पूरी तरह से। ये आप खीरा चोरी के इल्जाम में किसी को फांसी पर नहीं लटका सकते ना। अब राहुल गांधी पॉलिटिकल व्यक्ति हैं तो वो पॉलिटिकल बयान देंगे ही, वो बयान नहीं देंगे तो पान बेचने के लिए राजनीतिक आदमी है, विपक्ष का सबसे बड़ा नेता।